जय हिंद दोस्तों, जीरो से हीरो बनने के इस सेशन में आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है वॉच यानी कि घड़ी। घड़ी कितने प्रकार की होती है? घड़ी यानी कि टाइम, टाइम मानव जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीखेंगे कि घड़ी के कुछ हिस्ट्री वाले फैक्ट्स यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और ये जानेंगे कि घड़ी कितने प्रकार की होती है। और जो आज हम घड़ी देखते हैं मोबाइल में या फिर दीवार घड़ी, तो वो कौन सी घड़ी होती है और इसको कैसे देखते हैं, इसका कैसे यूज होता है, प्लेटफॉर्म पर कौन सी घड़ी लगी होती है जो हम देखकर आसानी से समझ सकते हैं, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल घंटी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों की घड़ी तो कई प्रकार की होती है, जैसे धूप घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, यांत्रिक घड़ी या फिर आपकी जो होती है साधारण घड़ी, तो ये आपकी एक परमाणवीय घड़ी होती है, परमाणवीय घड़ी। तो घड़ियां तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो हम घड़ी देखते हैं और जो हमको मोस्टली आवश्यकता पड़ती है, वो तो एक अपने एक रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से आते हैं कि वो कौन सी घड़ी है उनको देखने के लिए। लेकिन जो टाइम देखने के लिए, अक्सर जो ये टाइम देखने के लिए घड़ी होती है, इनमें भी जो होता है इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। वो दोस्तों चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबके जीवन में घड़ी को देखना और समय के अनुसार काम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली जो नॉर्मली घड़ी दो प्रकार की होती है, एक साधारण घड़ी और एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। तो सबसे पहले साधारण घड़ी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को समझने के लिए साधारण घड़ी को पढ़ना ही पड़ेगा यानी कि जानना ही पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहा है इस पर 12 अंक दिख रहे हैं और 3 सुइयां दिख रही हैं। तो जिस पर ये सुइयां और अंक लिखे होते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे डायल बोलते हैं, हिंदी में अंक पृष्ठ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो 12 अंक समान समान दूरियों पर लिखे हुए हैं, 1 से लेके 12 तक, और हर दो अंकों के बीच में 4 रेखाएं होती हैं। 4 रेखाएं यहाँ पर देख सकते हैं, हर दो पास के अंकों के बीच में, हर दो जो बगल के अंक होते हैं इनके बीच में 4 रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई, जो बीच की सुई होती है उसे मिनट की सुई, और जो सबसे बड़ी सुई होती है उसे सेकंड की सुई कहते हैं। मान लीजिए कि 12 से 1 पर हमें चलना है तो घंटे वाली सुई जो आएगी उसे 1 घंटा लगेगा, वहीं मिनट वाली सुई 12 से 1 पर आती है उसे 5 मिनट लग जाएंगे, वहीं अगर सेकंड वाली सुई आती है 12 से 1 में तो सिर्फ उसे कितने सेकंड लगेंगे? 5 ही सेकंड में आ जाएगी। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिएगा जो टाइम होता है कि दिन पूरा, दिवस कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का, यानी कि 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात। तो ये कितने बार इसमें एक पूरा चक्कर लेगा तो कितने घंटे, कितने घंटे लग जाएंगे? 12 घंटे। तो 12 घंटे यानी कि पूरा दिन निकल गया, 12 घंटे पूरा रात निकल गया, यानी कि दो बार ये पूरा अपना राउंड लेती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनमें जो घंटे वाली सुई होती है, एक घंटे में आप ये जाने पहले, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में आपके, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। यस, तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में, अब ये आपको पता करना है कि कितने सेकंड होते हैं। तो चूंकि एक मिनट, एक घंटे में 60 मिनट तो होता ही, तो ये मिनट में बदल गया। अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 हुए 60, यानी कि जो आपका ये 3600 आ गया वो सेकंड हो गया। कितने में? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार अगर आप 12 से गुणा कर देते हैं तो एक दिन में, मतलब 24 से गुणा कर देते हैं तो एक दिन में कितने सेकंड होंगे वो निकल आएंगे, तो 86400 कुछ ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि ये कौन सी घड़ी? साधारण घड़ी इस प्रकार से वर्क करती है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, जो मेन आपका है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। अब देखिएगा दोस्तों, जब कभी भी आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर जो बड़ा बड़ा ये दीवार घड़ी वाला भी
लगा हुआ रहता है, जिसे आप लखनऊ अगर जाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर या वहाँ पर, तो आपको दिखा लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरा एक डिजिटल घड़ी होती है, तो यानी डिजिटल घड़ी यानी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कैसे होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी घड़ी जो डायरेक्ट आपका पूरा दिन बताती है, यानी कि एक से लेके उसमें 24 तक बजते हैं। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल फ़ोन में या अपने स्मार्टफोन में जो देखते हैं टाइम, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक से लेके 24 तक जब आप सेट कर देते हैं, एक से लेके 24 तक जब बजता है, यानी कि 24 तक जब बजता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का वो एक पहला प्रकार होता है। यानी कि उस पर जो अंक होते हैं एक से 24 तक आपके बजते हैं, एक से 24 तक दर्शाए जाते हैं। और वो कब से शुरू होता है, तो जो अर्धरात्रि होता है, एक अर्धरात्रि से दूसरे अर्धरात्रि के बीच में जितना समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो एक से 24 तक बजता है वो दर्शाया जाता है। जैसे अगर रात के 12 बजे से आपकी शुरू होती है 1 2 3 4, तो अगर शाम को इस घड़ी में आपके 6 बज रहे हैं तो उस घड़ी में आपके क्या बचेंगे, 12 6 18 बज जाएंगे। अगर शाम को इस घड़ी में 9 बज रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का जो 1 से लेकर 24 तक दर्शाया हुआ होता है तो उसमें कितने बज रहे होंगे, तो 12 में 9 आप जोड़ देंगे, यानी कि 21 बज रहा होगा। तो ये तो एक प्रकार हुआ कि जिनमें 1 से लेके 24 तक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का पहला जो प्रकार है, 1 से लेके 24 तक आपका दर्शाया हुआ होता है, यानी कि एक अर्धरात्रि से दूसरे अर्धरात्रि के बीच में, यानी कि एक रात जो 12 बजता है उसके बाद एक शुरू होता है 1 2 3 से लेके अगले रात 12 बजे तक, ये आपका 24 तक बच जाता है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या होता है, आप जब जाएंगे रेलवे प्लेटफार्म पर तो वहाँ पर आपने अक्सर ये देखा होगा कि वहाँ पर लिखा रहता है 3 PM आप टिकट निकलवाते हैं, 3 AM, तो इसका मतलब हम क्या समझें, अगर 3 AM लिखा है 3 PM लिखा है तो हमें कितने बजे जाना चाहिए, क्या मतलब है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का एक प्रकार है, यानी कि दूसरा प्रकार है। तो इनमें क्या होता है, PM क्या होता है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म समझें। PM का मतलब होता है आपका पोस्ट मेरिडियन, क्या होता है पोस्ट मेरिडियन। और AM का मतलब आपका होता है एंटी मेरिडियन जो आपका ये लिखा हुआ है। तो PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन, AM का मतलब एंटी मेरिडियन। तो यहाँ पर अगर आपका AM होता तो AM का टाइमिंग क्या होता है, रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक जो होता है, यानी कि रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक, कितने दिन 12 बजे तक, दिन 12 बजे तक का जो समय होता है उसे हम AM यानी कि एंटी मेरिडियन कहते हैं। वहीं पर अगर आपका जो PM होगा यानी कि पोस्ट मेरिडियन, तो वो यहाँ पर देखिएगा, रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक। अब दिन 12 बजे से कितने बजे तक, दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक जो आपका चलेगा वो क्या चलेगा, पोस्ट मेरिडियन PM। तो इसका मतलब है अगर आप टिकट निकलवाते हैं तो जहां पर मान लीजिए कि 2 यात्री हैं, एक का आया 3 PM एक का आया 3 AM, और उसको पहुंचना है प्लेटफार्म पर, उसको जाना है कहीं, तो यहां पर देखिए जो AM PM होता है वो किस घड़ी पर चलता है। होता तो ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का एक प्रकार, लेकिन इसको जो देखा जाता है, जो देखने का नजरिया होता है, वो बेस इसका साधारण घड़ी पर होता है। तो इसका मतलब जब अगर रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक ये आपका एक घड़ी 12 घंटे हो जाएगा, फिर दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक, यानी कि जो आपका AM चलेगा रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक, तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कहा जाए कि 3 AM आपको चलना है, 3 AM आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि वो सुबह वाला पहुंचेगा कि जो शाम को 3 होता है। तो आप जानते हैं कि एएम होगा जो वो रात 12 बजे से दिन 12 बजे के बीच में होगा। तो रात 12 बजे से दिन 12 बजे के बीच में एक बार तो 3 आएगा ही। तो जब 3 आएगा तो वो कौन सा 3 होगा? सुबह के पहर में जो 3 बजता है, यानी कि अगर 3 AM है, सुबह के पहर वाला जो 3 होगा वो व्यक्ति को एयरपोर्ट पर 3 बजे सुबह पहुंचना होगा। वही अगर 3 PM है तो आप जानते हैं कि जब 12 बजे के बाद में फिर 1, 2, 3 बजेगा। तो 3 शाम को जब एक बार बजेगा, शाम से पहले और दोपहर के बाद में, तो वहां पर आपका PM हो जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि PM और AM क्या होता है। तो जो PM होता है पोस्ट मेरिडियन, ये आपका दिन 12 बजे के बाद में रात 12 बजे तक के बीच में जो समय होता है वो PM होता है। AM जो रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक के बीच में होता है उसे हम AM कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि तीनों घड़ियों के बारे में आप समझ गए होंगे। साधारण घड़ी और जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, इसमें 2 प्रकार होते हैं इसके भी। तो आज से आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्या मतलब है PM है। अब एग्जांपल के तौर पर एक और बता देते हैं कि अगर आपसे कहा गया कि 9 बजे हमें 9 PM पर एयरपोर्ट पहुंचना है, तो 9 PM का मतलब क्या समझेंगे? सबसे पहले आप PM देखेंगे। PM का मतलब है दिन 12 बजे से रात 12 बजे के बीच में। तो क्या दिन 12 बजे से रात 12 बजे के बीच में कभी 9 बजता है? तो बिल्कुल बजता है, रात को 9 बजते हैं, यानी कि रात को 9 बजे हमें पहुंचना है। वही अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको 9 AM पहुंचना है, तो 9 AM का मतलब यह है कि 9 AM आप देखें, रात देखिए AM रात 12 बजे से दिन 12 बजे के बीच में, क्या ऐसा कभी टाइम होता है 9 बजता है? तो बिल्कुल, रात के बाद में 1, 2, 3, 4 यानी कि सुबह 9 बजते हैं, तो आप तो सुबह के 9 पहुंचने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल MG एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।